जयंत सहलाब और माननीय राष्ट्रपति भारतीय अध्यक्ष को सुनने के लिए आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आवे और अपील करे और मेरी आदत बनी साहब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खेल साफ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की रैली की भीड़ देखकर विपक्ष भी घबरा गई है। समाजवादी नेता अखिलेश यादव की रैलियां इस वक्त सुर्खियों में है। दरअसल पहले फूलपुर फिर संत कबीर नगर में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव की रैली में भीड़ बेकाबू हो गई। इसकी वजह से भगदड़ मच गई, जनसभा में ईंट पत्थर चले, कुर्सियां तोड़ी गई, पुलिस वालों पर चप्पलें फेंकी गईं। इसके बाद पुलिस वालों ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज किया। जयंत सहलाब और माननीय राष्ट्रपति भारतीय अध्यक्ष को सुनने के लिए आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आवे और अपील करे और मेरी आदत बनी साहब। खुद अखिलेश यादव भीड़ पर काबू पाने के लिए मंच से लोगों को समझाया। मैं अपने तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि हम लोग अपनी बात आपके बीच में रखने आए हैं। मैं जानता हूं कि आपका उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है, लेकिन ये उत्साह और जोश हमें अपनी वोट डालने की तारीख तक के लिए रखना है। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है 2024 का। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जिस तरीके से संविधान मंथन हुआ था उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम और आप लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बताओ, संविधान बचाओगे? यहां पर जो हमारा किसान खड़ा है जानता होगा उसकी आय दोगुनी नहीं हुई, किसान ने आत्महत्या कर ली और दिल्ली की 10 साल की सरकार में 1,00,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन्होंने किसानों की आवाज दबाने के लिए न जाने क्या क्या किया, पुलिस प्रशासन और आंदोलन को समय समय दबाने का काम किया, लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं। आने वाले समय में जहां किसानों की मदद होने जा रही है, उनके कर्ज के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं उनकी खुशहाली के लिए फसल की MSP देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले हमारी जान, हमारी आपकी जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। ये बीजेपी वाले वैक्सीन लगवा के हमारी आपके जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। संविधान बचेगा तो हमें नौकरी मिलेगी, संविधान बचेगा तो पीड़ित परिवार का सम्मान बढ़ेगा, संविधान बचेगा तो रोजगार आएंगे। इन बीजेपी वालों ने सब परीक्षा रद्द करा दी, सब क्वेश्चन पेपर लीक करा दिए। और अब आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी दरोगा सरोज के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। अखिलेश यादव मंच पर ही थे तभी सपा कार्यकर्ता बेकाबू हो गए, बैरिकेडिंग तोड़कर मंच की ओर अखिलेश यादव की तरफ बढ़ने लगे। कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठी पटकी तो भगदड़ मच गई। लोगों ने ईंट पत्थरों और चप्पलों से पुलिस पर हमला किया, कुर्सियां तोड़ डाली। इस दौरान जिस स्टैंड पर लाउडस्पीकर लगाए गए थे वो भी गिर गया, देखे वीडियो। करता हूँ कि आवे और अपील करे और मेरी आदत बनी साहब।